नमस्कार, हम गुरु नानक खालसा महाविद्यालय से NSS के विद्यार्थी। आज हम उस एक महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा को जानेंगे जिन्होंने आज़ादी के वक्त एक नारा दिया जिसको सुनकर सभी में आज़ादी का आत्मविश्वास जाग उठा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो महान व्यक्ति और कोई नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का किताब दिया था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस को कुल मिलाकर 14 संतानें थीं जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में BA के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंधन भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी किंतु आँखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्टस विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राईपास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो ICS में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में 4th स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई सतरंजन बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जानी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में ICS बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव AS मार्टेग्यू को ICS से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा। एक पत्र देशबंधु चितरंजन दास को लिखा किंतु अपनी माँ प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राईपास ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। सुभाष चंद्र बोस भारत वापस लौटने पर महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए गैर सहयोगी आंदोलन में शामिल हुए, जिन्होंने एक शक्तिशाली गैर हिंसक संगठन के रूप में INC बनाया। आंदोलन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी ने चितरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु बन गए थे। जबकि चितरंजन दास राष्ट्रीय रणनीति के विकास में व्यस्त थे, सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के छात्रों
युवाओं मजदूरों को प्रबुद्ध करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वह उत्सुकता से भारत को एक स्वतंत्र संगीन और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वह बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के साथ एक युवा शिक्षक और कमांडेंट बन गए। उन्होंने अपना एक अखबार शुरू किया 1924 में, जिसका नाम उन्होंने स्वराज्य रखा था। वह कलकत्ता के नगर निगम के CEO भी चुने गए। 1925 में राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए मंडेल में उन्हें जेल में डाल दिया गया और 2 वर्षों के उपरांत 1927 में उन्हें जेल से रिहा किया गया और उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव के रूप में चुना गया। 1930 में उन्हें कलकत्ता के महापौर के रूप में आयुक्त किया गया। बोस ने एक किताब लिखी थी जिसमें 1920 से लेकर 1942 तक भारत की स्वतंत्र आंदोलन की सभी गतिविधियां लिखी गई थी, जिसका नाम भारतीय संघर्ष था। जिस किताब को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच तीखे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बोस के दिल में महात्मा गांधी के लिए गहरा सम्मान था। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में थे। यह दर्ज है कि बर्लिन में इस खबर को पढ़कर सुभाष चंद्र बोस ने अपने करीबी सहयोगी CN नम्बियर से कहा कि उन्हें गांधी के साथ रहने की ज़रूरत है। बर्लिन से अपने आज़ाद हिंद रेडियो संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध से संबोधित किया। 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु से उत्पन्न एक और घटना से पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस उनकी कितनी प्रशंसा करते थे। उन्होंने म्यांमार और फिर बर्मा से एक बयान जारी कर कस्तूरबा गांधी को भारतीय माँ का दर्जा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने रेडियो संबोधन में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 1944 में बर्मा से अपने अंतिम रेडियो संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमारे राष्ट्रपिता, भारत की आज़ादी के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगते हैं। द्वितीय युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज का गठन और गतिविधियाँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज़ाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA के नाम से जाना जाता है। राजबिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारत से निकलकर जापान में कई वर्षों से रह रहे थे। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को हराया और लगभग सभी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर कब्जा कर लिया, तब भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से भारतीय स्वतंत्रता लीग ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन करते हुए उसका दायरा बढ़ाया और युद्धबंदियों को भी शामिल किया। जनरल मोहन सिंह, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, उन्होंने इस सेना को संगठित करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने नज़रबंद कर दिया, क्योंकि वह किसी तरह से अंग्रेजों के शासन का विरोध कर रहे थे। हालांकि 1941 में उन्होंने चुपके से देश छोड़ दिया। अधिकारियों को कई दिनों तक पता नहीं चला कि वह अपने पैरे यानी जिस घर में उनकी रखवाली की जा रही थी उनमें नहीं थे। जाकर काबुल पहुंचे। नवंबर 1941 में जर्मन रेडियो से उनके प्रशासन ने अंग्रेजों के बीच चिंता की लहरें पैदा की और भारतीय जनता के क्रांतिकारियों के बीच आज़ादी की जुनून को फिर से प्रकाशित किया। जिन्होंने महसूस किया कि उनका नेता अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए एक मास्टरप्लान पर काम कर रहे हैं, जिसने भारत को उन क्रांतिकारियों को भी एक नया विश्वास दिया जो किसी तरह से अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने 1943 में जापान का दौरा किया, जहां शाही प्रशासन ने मदद की अपील के लिए हाँ कहा। यहीं पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण किया, ताकि इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाया जा सके।
आजाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें भारतीय युद्धबल के साथ ही दक्षिण पूर्व यशस्वी के विभिन्न देशों में बसे अन्य भारतीय भी थे। अक्टूबर 1943 में उन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाई, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता दी गई थी। दिसंबर 1943 में INA ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का अंग्रेजों से मुक्त करवाया और उनका नाम बदलकर स्वराज और शहीद द्वीप कर दिया। सुभाष चंद्र बोस भारत को पूर्वी मोर्चा से मुक्त करना चाहते थे। सुभाष ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड का गठन किया गया। INA ने बर्मा से होते हुए भारतीय सीमा पर स्थित कॉक्सटाउन पर कब्जा कर लिया। वे अब भारत के अंदर थे और अंग्रेजों को भगाने के लिए कृतसंकल्प थे। दिल्ली चलो, चलो दिल्ली की ओर मोर्चा युद्ध का नारा था। हालांकि आजाद हिंद फौज द्वारा भारत को मुक्त कराने का प्रयास विफल रहा, बोस ने फिर से भागने और अपने संघर्ष को नवीनीकृत करने का प्रयास किया। वह ताइहुकू हवाई अड्डे से एक विमान में छिपकर बाहर जा रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा माना और कहा जाता है कि उनका विमान फॉर्मोसा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे अब ताइवान के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वह थर्ड डिग्री बर्न हो गए थे और कोमा में चले गए थे और कभी इससे बाहर नहीं निकल पाए। चाहे आगे लाखों खड़े आजादी के लिए मिलके लड़े, मेरी नस नस बहे तू वतन, मेरी नस नस कहे वतन, मेरा सारा के लिए